You are with Children Learning Channel. Please like and subscribe it. ये मैंने अल्फ़ाबेट्स के फ्लैश कार्ड्स बनाए हैं. ये जो हैं इनको हम बच्चों को पहचान कराने के लिए और फोनिक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं. सब ए ए ब ब क क ड ड ए ए ए ए ग ग ए ए ज ज ए ए ज ज क क ल ल म म न न ओ ओ प प क्यू क्यू र र स स ट ट अ अ व व व व स स य य जी जी. फिर हम बच्चों को दो अल्फ़ाबेट्स जोड़ के उनकी साउंड सिखाएंगे. बा बी बी बो बू डा डी डी डू डू फा फी फी फू गा गी गी गो वो हा ही हा ही हो हो जा जी जी जो जो का के को ला ली ली लू. इस तरह से फिर हम जो है ना इसकी सारी साउंड जो हैं उनको इन वोवल्स के साथ मिलाकर हम पढ़ लेंगे. तो इस तरह से बच्चों को हम जो है साउंड सिखा सकते हैं. इसमें सी मिसिंग है, वो मैं इसलिए आपको बताना चाहती हूँ कि आप सोच रहे होंगे कि बी के बाद सी नहीं लिखा. सी जो है वो उसकी साउंड चेंज होती है, जैसे सॉफ्ट साउंड उसकी अलग होती है, हार्ड साउंड उसकी अलग होती है. तो वो वोवल के साथ उसकी साउंड अलग अलग होती हैं. ई आई के ई आई वाई के साथ और तरह की साउंड होती है, ए ओ यू के साथ और साउंड. सी की सॉफ्ट साउंड और हार्ड साउंड पर भी जो है ना वो अलग से एक वीडियो में डालूँगी, ठीक है. और इसके बाद हमने जाना है बच्चे को थ्री वर्ड्स की तरफ. पहले टू अल्फ़ाबेट्स थे, फिर थ्री अल्फ़ाबेट्स की तरफ हमने जाना है. एक वर्ड जो इजीली बनते हैं वो हमने सीवीसी वर्ड्स पढ़े थे, मतलब कॉन्सोनेंट वोवल और कॉन्सोनेंट वर्ड्स जो हमने पढ़े हैं. अब इसमें मैं अल्फ़ाबेट्स निकाल के रख रही हूँ. ए जो है मैंने वोवल निकाल के रख लिया, एक तरफ मैंने कॉन्सोनेंट रख दिया. अब इसके साथ एक फ्लैश कार्ड ढूंढूंगी, देखूंगी कि इसके साथ कौन सा एक वर्ड बनता है. इस तरह बच्चे को भी दे सकते हैं, उनसे कह सकते हैं कि थ्री अल्फ़ाबेट्स वाले वर्ड बनाएं, तो बच्चा इजीली ये कर सकता है. दरमियान में वोवल रख के इर्द गिर्द उसको कहेंगे कोई भी दो कॉन्सोनेंट रखे, जैसे ल ए प लैप व ए न वैन. इस तरह से आप बच्चे को जो है वह इंग्लिश सिखा सकते हैं. इतनी टफ़ नहीं है बच्चों के लिए, उनको फोनेटिकली सिखा